नशे की हालत में सलमान खान ने कई बार काफी बड़ी गलती की और जिसका खामियाजा खान परिवार को भुगतना पड़ा, सलमान को भी भुगतना पड़ा लंबे टाइम तक। इसका दो उदाहरण हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे। सलमान खान ने नशे की हालत में तकरीबन 41 बार विवेक ओबेरॉय को कॉल किया था और कॉल पर विवेक को धमकियां भी दी थी, काफ़ी बुरा भला उन्हें कहा था, गंदे शब्दों का प्रयोग किया था, उनको अपमानित किया था, उन्हें टॉर्चर तक किया था और इसका रिविलेशन पब्लिकली इंटरव्यू देते हुए विवेक ओबेरॉय ने किया था। इसके अलावा सलमान खान ने एक बार फिल्म मेकर सुभाष गई पर हाथ उठाया था, उनके लिए भी बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, उनसे मारपीट तक कर ली थी। सलमान ने इस गलती को स्वीकार किया था पिता सलीम के आगे और कहा था, मैं नशे में था, मुझसे बड़ी गलती हो गई, जिसके बाद सलमान को घुटने पर जाने के लिए सलीम ने कहा था, माफी मांगने के लिए कहा था। ये सारे खुलासे सलीम खान के ही हैं। सलमान जो गलतियां पहले करते थे नशे में आकर जोश जोश में, उन गलतियों से सलमान ने काफ़ी सीख ली और अब इस तरह की चीज़ों से वो कोसों दूर रहते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव्स, ऋतिक रिपोर्ट।